गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से भारत को जानो इस शो में। तो भारत को जानो ये पार्ट टू है। इसमें हम लोग बात करेंगे आगे के विकास का, यानी किस तरीके से भारत में विकास हुए हैं। तो कल हम लोगों ने बात किया कि भारत का जो आउट एरिया है, आउट एरिया के साथ साथ जो अगल बगल के देश हैं, उन देशों में कैसी बाउंड्री लाइन है और भारत का कैसा जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो कैसा है और देशांतर अक्षांश के बीच में ये कहाँ पर टिके हुए हैं। अब बात करते हैं कि जब भारत यानी पृथ्वी जब उदय हुआ और पृथ्वी के उदय होने के बाद भारत नाम का एक छोटा सा देश भी यहाँ पाया गया, तो वहाँ पर मानव का विकास कैसा रहा। तो स्पेशली भारत के विषय में तो मानव का विकास नहीं था, लेकिन पूरी पृथ्वी पर मानव का विकास यहाँ पर आ जाता है कि पूरी पृथ्वी पर मानव का विकास कैसा रहा होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट की, यानी मानव के विकास की, यानी पृथ्वी पर मानव का विकास कैसा रहा है, और उससे जानेंगे कि भारत में मानवों का जो विकास था वो किस तरह रहा होगा और कैसे ये लोग इतने ज़्यादा बुद्धिमान हो गए, यानी आर्य सभ्यता कैसे यहाँ पर इतनी ज़्यादा विकसित हुई। तो आपको बता दें कि लगभग 3.5 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ वर्ष पहले की हम अगर बात करें, तो यहाँ पर हम लोग आज बात क्या करने जा रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट की, और ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास का। तो मानव विकास का जो क्रम आया वो क्रम कब आया, 3.5 करोड़ वर्ष पहले। तो 3.5 करोड़ वर्ष जो पहले आया, तो पता चला कि एक 3 से 4 फुट का जो बंदर है, कपी, 3 से 4 फीट का एप यानी कपी जो है वो लगातार जंगलों में घूम रहा है और उसका कोई भी देखरेख करने वाला नहीं है। उसमें अंतर ये है कि उसके हाथ बहुत ज़्यादा लंबे हैं, वो थोड़ा सा झुक करके दोनों हाथों के बल पे चलता है, जिसे हम आज कह सकते हैं कि वो गोरिल्ला रहा होगा। लेकिन ऐसे कैसे कह देंगे कि वो गोरिल्ला रहा होगा, तो वहाँ पर ये बात सामने आती है कि वह पेड़ पर एक हाथ से शाखाओं को पकड़ करके लगातार दौड़ रहा था और पेड़ से नीचे वो उतरता ही नहीं था, यानी जमीन पर वह नहीं टिक पा रहा था। और जब जमीन पर नहीं टिक पा रहा था, तो वैज्ञानिकों ने इन चीज़ों के ऊपर जब अध्ययन करना शुरू किया तो पता चला कि 3 से 4 करोड़ वर्ष पहले हमारे वायुमंडल में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन हुआ और उस जबरदस्त परिवर्तन की वजह से जंगल कम हो गए और ये जितने पेड़ पर रहने वाले जीव जंतु थे वो जमीन पर आकर रहने लगे। तो जरा पहला स्लाइड दिखाइएगा, यहाँ पर साउंड प्रॉब्लम की बात कही जा रही है। साउंड थोड़ा सा तेज रखिए क्योंकि बच्चों को साउंड प्रॉब्लम रहती है। यहाँ पर आप पहले स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि जो पहला वाला मानव है जो थोड़ा सा झुक करके चल रहा है, और दूसरा वाला मानव थोड़ा सा इरेक्ट हो गया है, खड़ा हो गया है, और तीसरा वाला मानव और ज़्यादा टाइट हो गया है, और चौथा वाला मानव और ज़्यादा टाइट, पांचवा वाला मानव और टाइट, और आज का मानव देखिए आईपैड लेकर के घूम रहा है। तो कितना अच्छा है ना, तो बहुत अच्छा ये देखने में लगता है कि वास्तव में क्या मानव ऐसे ही आए रहे होंगे पृथ्वी पर। तो मानव अगर ऐसे ही पृथ्वी पर आए रहे होंगे, हाँ टैबलेट लिया हुआ है आयुष, वो एप्पल का टैबलेट है और वो लेकर के घूम रहा है, लेकिन यहाँ देख लीजिए वस्त्र नहीं है। एक बात का ध्यान दे रहे हैं ना, वस्त्र यहाँ पर नहीं है, और वस्त्र नहीं होने के वजह से आज का मानव भी मौका पाने पे वस्त्र उतार देता है या फिर आधा वस्त्र पहन के घूमता है। तो आदि मानव शब्द जो आया हुआ है, वो आदि मानव शब्द क्या ऐसे नहीं लगता है कि हम लोग पहले से ही नंगे रहने के आदि हैं। आज जबरदस्ती कपड़ा पहना दिया गया है कि भैया कपड़ा पहन लो ठंड लग जाएगी, या कपड़ा पहन लो शरीर में चोट लग जाएगा, आदि बातें है ना। तो बहुत सारे लोगों को ये बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन ये मानव स्वभाव है और इस मानव स्वभाव से कभी कोई अपने आप को अलग नहीं रह सकता है।
मंकी कहाँ से आया था संधू सिंह? आपने बड़ा गजब का क्वेश्चन पूछा है, और इस गजब से क्वेश्चन का एक ही उत्तर है कि मानवों का विकास आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इसमें फिर आती है एलियन थ्योरी, और एलियन थ्योरी में ये बताया जाता है कि ये जो भी मानव थे ये अलग अलग प्रजातियों के मानव थे, और इन अलग अलग प्रजातियों के मानवों में विकास क्रम अगर देखा जाए, मुंह की बनावट अगर देखा जाए, तो ये सब कुछ अलग था। तो इसका मतलब था समय समय पर यहाँ पर अलग अलग मानवों को इम्प्लांट किया गया था, और वो कहाँ से आए थे, किस ग्रह से आए थे, ये आज रहस्य है। क्योंकि अगर ऐसा होगा कि हम लोग पहले रामापिथेकस से कन्वर्ट होकर के होमो सेपियंस बने हैं, तो क्या आज जो इस तरह की प्रजातियाँ हैं क्या वो आज होमो सेपियंस में कन्वर्ट नहीं हो सकती क्या? तो यहाँ पर ये थ्योरी गलत हो जाती है। यहाँ पर जो थ्योरी बताई गई है वैज्ञानिकों के द्वारा, वो थ्योरी ये है कि अलग अलग समय में अलग अलग मानव आए हैं, और उनकी अलग अलग प्रजातियाँ थी, उनकी अलग अलग रेसेस थे, और उन अलग अलग रेसेस में उनके शरीर की बनावट, उनके चेहरे की बनावट, उनके दांतों की बनावट, उनकी कार्यशैली, उनके चलने के तरीके सब कुछ अलग थे। तरुण, यहाँ पे रेडियो नहीं है, अगर रेडियो होता तो यहाँ पे नाम रख दिया जाता कि पीके, जैसे वीर सिंह कह रहे हैं, तो पीके नहीं है, ये एप्पल है, पीके नहीं है, तो एप्पल है और पीके में बहुत अंतर है। अब आइए दूसरा चित्र देखते हैं, इसी में दूसरे नंबर का फोटो दिखा दीजिए। ये देखिए, ये बेचारे इन्हीं की बात कर रहे थे कि ये पेड़ों पर रहते थे, और इन्हें कहा गया कि ये जो हैं रामापिथेकस हैं। क्या हैं? रामापिथेकस। तो रामापिथेकस जो है ये मानव प्रजाति का पहला जो संस्करण है, यानी कि पहला फर्स्ट एडिशन जो मानव का है वो यही है। इनके हाथ लंबे होते थे और ये एक शाखा से लटक करके दूसरी शाखा तक ये भागते रहते थे, और ये जंगल की सीमा पर ही मंडराते थे, मैदान में नहीं उतरते थे। दिस टाइप ऑफ एप आर कॉल्ड एज रामापिथेकस। और जब ये जमीन पर आए तो इन्होंने टूल्स का प्रयोग करना सीखा, और टूल्स का प्रयोग करने के साथ साथ ये सेमी इरेक्ट हो गए। सेमी इरेक्ट का मतलब ये अभी तो दोनों चारों दो हाथ दो पैर पे चल रहे हैं, अब ये थोड़ा सा उठने लगे, और थोड़ा सा उठने के लग इसके साथ साथ चलने की मुद्रा में आए, और चलने की मुद्रा के साथ साथ इनके दोनों हाथ जमीन से छोड़ दिए, और जमीन से छोड़कर ये दोनों हाथ अब लटक गए, और पैरों से ही ये चलते थे। तो लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व जो समूह का विभाजन हुआ, जो इनके ग्रुप का डिवीज़न हुआ, इस ग्रुप का डिवीज़न हुआ, सबसे पहला ग्रुप बना रामापिथेकस, जो जंगलों में रह गया, और जंगलों के साथ साथ ये धरती पर अपने आप को अनुकूल बनाए, और अनुकूल बनाने के साथ साथ इनकी एक और प्रजाति शुरू हुई जो घास के मैदानों को ढूंढना शुरू किए थे। और जो घास के मैदानों को ढूंढना शुरू किए थे उनको कहा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के पहले हम देखें एक और चित्र, जिससे ये पता चलेगा कि सामान्य ह्यूमन और इनके दांतों की बनावट में अंतर क्या था। तो तीसरा वाला चित्र दिखाइएगा जरा, ये देखिए रामापिथेकस का चित्र का दांतों का चित्र है। ये निचले दांत हैं, वो ऊपर के दांत हैं, और ये आपका जो दाहिने हाथ की तरफ चित्र दिख रहा है वो दाहिने हाथ की तरफ चित्र दिख रहा है आदमी का, और नीचे जो है वो एप का दिख रहा है, यानी कि एक बड़ा चिपेंजी का है, और इधर जो है वो रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस का है। तो यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस कुछ तक चिपेंजी से मिलते हैं, और यहाँ पर मेन यानी होमो सेपियंस सेपियंस। तो यहाँ पर इससे हम तुलना कर सकते हैं कि इनकी, अरे वाह क्या बात है अंकित मोहित जी, मतलब इनका आप दाढ़ी भी बनवा देना चाहते हैं और बाल भी बनवा देना चाहते हैं और ये सारी चीज़ें। क्लास के कैप्शन से अलग नहीं है, भारत को जानने में हमें मानव जानना पड़ेगा, और मानव जानने के बाद मानव विकास जानना होगा, और मानव विकास में हमें किस सभ्यता में आना है, आर्य सभ्यता और
जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उसमें आनी है, तो उसमें भारत के तरफ से कौन सभ्यताएं आए उसको बताना है। तो बिना आप बेस जाने फिर भारत की सभ्यता कैसे जानेंगे? तो पहले मानव के बारे में जान लीजिए, और मानव के साथ साथ फिर जानेंगे भारत के मानव के बारे में, ठीक है? तो ये जब घास का मैदान इनको अच्छा लगने लगा, तो घास के मैदान में ये रहने लगे, और ये पैरों के साथ साथ हाथों के प्रयोग से भी अपने आप को बचाते थे दुश्मनों से, और तेजी के साथ दौड़ते थे, और इन्हें कहा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो नेक्स्ट चित्र दिखा दीजिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस कैसे दिखते थे, ये देखिए, ये हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये औजार भी चलाना सीख लिए थे, और जीव जंतुओं को अपने हिसाब लायक मार करके खाते भी थे, उनके हड्डियों को निकाल कर उनसे हथियार भी बनाना जान गए थे, और इस तरह से सेमी एरेक्ट तरीके से ये चलना सीख गए थे। ये तो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलोपिथेकस टाइट है, पूरा पूरा खड़ा है, लेकिन जो असली ऑस्ट्रेलोपिथेकस था वो सेमी इरेक्ट था, यानी उनकी पीठ जो थी थोड़ी सी झुकी हुई थी, और पीठ जो थोड़ी सी झुकी हुई थी तो इन्हें इस तरह से कैटेगराइज किया गया, और इस तरह से जब कैटेगराइज किया गया तो इनमें एक नया आया, और सही सही विकास के क्रम में जानने के लिए जो पैलियोन्थोलॉजिस्ट थे यानी जीवाश्म विज्ञानी जो थे, उन्होंने इनके जीवाश्म से अलग अलग तरीके के नए नए क्रमों का विकास भी देखा। तो रामापिथेकस का खास बात क्या था कि इनके केवल निचले और ऊपर के जबड़ों के टुकड़ों से इन्हें पहचाना जाता था। तो ये चित्र आपने देख लिया ना, चित्र में अब कहीं है नहीं, चित्र हम हटाना चाह रहे हैं। कंप्यूटर जी, लैपटॉप, तो यहाँ पर जो रामापिथेकस है, तो रामापिथेकस में अगर आप देखेंगे तो इनके निचले और ऊपर के जबड़े के टुकड़े से पहचाना जाता था, और कभी कभार दांत भी दिख जाते थे, और कभी कभी दांत जो दिखते थे वो आज के जो बंदर हैं, आज के बंदर की तुलना में ऑस्ट्रेलो तो जो पिथेकस थे वो ज़्यादा मिलते जुलते थे, और जबड़ों की ऐसी चौड़ाई का संकेत मिलता था कि इनके मुंह में जो लंबाई थी, जो मुंह आगे की तरफ निकला हुआ है, ये एक तरीके से पिरामिड शेप, तो वो पिरामिड शेप की तरह इनमें काम नहीं करता था, तो वो एकदम मानवों की तरह से थोड़ा बहुत मिलता था। और जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, जैसा कि आप सामने चित्र में देख रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे ये एक इनकी ऊंचाई जो लगभग 42 से 50 इंच तक, और इनका वजन जो था वो 40 से 70 पाउंड तक का वजन था, और ये सीधे चलते थे, इनकी पीठ थोड़ी सी मुड़ी हुई होती थी। अब इनकी जो पीठ थोड़ी सी मुड़ी हुई होती थी तो ये अपने शरीर का जो संतुलन था वो संतुलन अपने पीठ के भरोसे पे कर लेते थे, और इसके बाद ये पैर इनके छोटे थे, खोपड़ी तो मनुष्य से बहुत सारी मिलती जुलती थी, लेकिन इनके कैनाइन टीथ जो थे वो मनुष्य की तरह छोटे छोटे थे, और इंसीजर जिन्हें कृंतक दांत कहा जाता है, इंसीजर जिन्हें कहा जाता था, वो वर्टिकल पार्ट में थे, लोअर पार्ट में नहीं होते थे, इनकी नाक चौड़ी होती थी, और ये आधुनिक नर मानव के जो क्रैनियल कैपेसिटी है वो क्रैनियल कैपेसिटी रखते थे। और कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में इस तरह के जीवाश्म मिले हैं जो लगभग 4 लाख से 8 लाख साल पुराना इतिहास बताते हैं। तो 4 लाख से 8 लाख साल पुराना इतिहास जो बताते हैं, और यही सारी जो मानव की विधियां थी, ये सारी मानव की विधियां धीरे धीरे हिमालय की तरफ बढ़ रही थी, और हिमालय की तरफ बढ़ने के साथ जो सबसे ज़्यादा योग्यतम व्यवस्था थी वो भारत में आई थी, और आर्य सभ्यता को विकसित की थी। आइए अगला चित्र देखते हैं, अगला चित्र देख लीजिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। जैसा हमने वर्णन किया है ऑस्ट्रेलोपिथेकस का कि इनकी ऊंचाई इतनी है, ये एक हल्के टाइप के जीव जंतु हैं, इनका जो सिर देख लीजिए, सिर मानवों की तरह मिलता है, और मानवों की तरह मिलने के साथ साथ ये इनकी जो चेहरे की बनावट है और इनके जो मुंह की बनावट है वो थोड़ा सा बिल्कुल मानवों के जैसा है, बंदर की तरह आगे की तरफ मुंह नहीं निकला हुआ है, ठीक है? और ये 4 फुट से ज़्यादा की ऊंचाई के नहीं होते थे, बल्कि इनसे छोटे होते थे, और इनका वजन जो होता था वो मैक्सिमम 70 किलोग्राम का होता था, ठीक है?
अब आइए बात कर लेते हैं होमो इरेक्टस का। तो यहाँ पे अगला अगला चित्र दिखा दीजिए, ये है होमो इरेक्टस। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मानव के विकास की, यानी कि मानव किस तरीके से पूरे पृथ्वी पर विकसित हुआ था और विकास के क्रम में इनके कौन कौन सी व्यवस्थाएं थीं और उन व्यवस्था में कैसे कैसे ये लोग अपने आप को विकसित कर रहे थे। तो होमो इरेक्टस में इसे जो मेन रूप से कहा गया, इसे कहा गया कि ये पिथेकैंथ्रोपस थे ये, और पिथेकैंथ्रोपस की संज्ञा इन्हें दी जाती थी। पिथेकैंथ्रोपस का मतलब होता था कि सीधे चल करके जो सीधा, यानी जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो और वो सीधे तन करके चलते हैं, इन्हें कहा गया होमो इरेक्टस। और मूल रूप से इन्हें कहा गया था कि ये पिथेकैंथ्रोपस हैं, और पिथेकैंथ्रोपस की जो मस्तिष्क की क्षमता थी वो लगभग पिछले यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस से काफ़ी कुछ विकसित थी। और इन्हें होमो इरेक्टस इसलिए कहा गया क्योंकि इनके हाथ पैर और जो इनके कमर का हिस्सा था वो काफ़ी कुछ मानवों से मिलता था। और साथ ही साथ अगर ये देखा जाए कि ये जीव जंतु यानी इस टाइप के जो व्यक्ति हैं, इस समय कहाँ पाए जाते हैं, तो वो अफ्रीका के जो जंगली इलाके हैं जहाँ पर ढेर सारे जंगल है, वहाँ पर इस तरह के लोगों को देखा गया है। और साथ ही साथ चीन का भी कुछ एरिया है जहाँ पर होमो इरेक्टस के जीव पाए गए हैं। और इस प्रजाति की उम्र अगर देखा जाए, केन्या के झील में भी इनका जीवाश्म मिला है, और ये लगभग कहा गया है कि यह 7.5 लाख से लेकर के 15 लाख वर्ष पुराने जीवाश्म यहाँ पर मिले हुए हैं। और ये इस एरिया में सबसे ज़्यादा रहते थे, यानी चीन और अफ्रीका के एरिया में सबसे ज़्यादा कौन लोग पाए गए थे, होमो इरेक्टस। और ये जो आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे वो कहाँ पाए, सबसे ज़्यादा कहाँ पाए गए, अफ्रीका के जंगलों में और अफ्रीका के घास वाले मैदानों में। रामापिथेकस कहाँ पाए गए, रामापिथेकस उन जगहों पे पाए गए जहाँ घने जंगल थे और जंगलों के साथ साथ वहाँ की ज़मीनें जो थी वो दलदली थी। होमो इरेक्टस को हिंदी में होमो इरेक्टस ही बोलते हैं, या इनको बोलते हैं सीधा चलने वाला कपी मानव। इनको बोला जाता है हिंदी में सीधा चलने वाला कपी मानव, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से इनका जो है क्रमिक विकास हुआ था। अभी हम लोग इसको लाइन बाय लाइन लिख लेंगे, पहले एक बार हम लोग इन चीजों को समझ लें कि कैसे इनका हुआ था, फिर समझने के बाद फिर लाइन बाय लाइन हम बोर्ड पे लिख देंगे, और बोर्ड पे लिखने के बाद फिर आप इसे उतार लीजिएगा या इसका पिक्चर ले लीजिएगा। ये पिक्चर कहाँ से आया, देखिए, इनका जीवाश्म मिला और जीवाश्म मिलने के बाद इनका कंप्यूटराइज चित्र बनाया गया, और कंप्यूटराइज चित्र बनाने के बाद कंप्यूटर खुद ब खुद इनके ऊपर मांस बनाता चला गया और बताया कि ये लोग ऐसे रहे होंगे। तो इनका जो मुखौटा मिला था, यानी जो इनकी चेहरे की हड्डियां मिली थी, चेहरे की हड्डियां जो दांत के बनावट थे उनको एक दूसरे के ऊपर सेट किया गया, रखा गया, फिर उनका फ़ोटो लिया गया। फ़ोटो लेने के बाद कंप्यूटराइज्ड सेक्शन में जब इसे डाला गया, ऑटो फेस वाले सेक्शन में, कई सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें वो सारा कुछ बना देता है, तो वहाँ पर ये देखा गया कि ये काफ़ी हद तक मानवों से मिलते जुलते थे, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं नियंदरथल की। तो अगला फोटो दिखा दीजिए, ये है नियंदरथल। तो नियंदरथल जो मानव होते थे वो आपके होमो इरेक्टस मानव से बिल्कुल अलग होते थे। इनकी खासियत क्या थी, इनकी खासियत थी इनका सिर। यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा पीछे वाला चित्र दिखा दीजिएगा, इसके पहले वाला, ये देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए इनकी खोपड़ी इनकी जो है वो मझोले टाइप की है, यानी छोटी है। अब इसके बाद वाला जो चित्र दिखाइएगा, ये इनकी खोपड़ी देखिए, इनकी खोपड़ी पिछले वाले चित्र की खोपड़ी से ज़्यादा बड़ी है। और ये लोग देखिए पूरी तरह से हथियार का खूब अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो जो हथियार है वो किस टाइप का है, या तो पत्थर का बना हुआ है या तो मरे हुए जानवरों की हड्डी का बना हुआ है। और इनका मुख्य जो काम है वो क्या है, शिकार करना, और शिकार करने के बाद अपने पेट भरना, और उनके जो खाल हैं उस खाल को वस्त्र के रूप में धारण करना। और वस्त्र कहाँ पहनना, कमर से नीचे के हिस्से में, यानी यहाँ तक आते आते मानवों को समझ में आ गया था कि कौन सा अंग ढकना है और कौन सा अंग खुला रखना है
है ना। तो ये बहुत बड़ी बुद्धि की विकास थी, और इस बुद्धि के विकास को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो गई थी आगे चल करके। तो जो नियंदरथल मानव थे उनका अगर देखा जाए तो पता चलता है इनका जो सिर था वो सिर क्या था, काफ़ी बड़े हिस्से में था, यानी कि इसका सिर का आकार जो था वो बड़ा था, और ये पार्श्विक रूप में थे, यानी कि इनका जो नेचर था वो नेचर जो था वो बड़ा एग्रेसिव था, और एग्रेसिव होने के साथ साथ ये पूर्णतः मांसाहारी थे, और साथ ही साथ इनकी मस्तिष्क की क्षमता जो थी वो आधुनिक मानव की तरह थी, यानी कि हर चीज़ को ये अपने हिसाब से एक नए तरीके से, नए खोज की तरीके से इस्तेमाल करते थे। और साथ ही साथ इनका जो गर्दन था वो गर्दन आप ध्यान से देखिए छोटा था गर्दन, और गर्दन छोटा होने के साथ साथ इनका जो ऊपरी जो चेहरे की जो भौं है वो भौं इनकी जो है वो मोटी और चौड़ी थी, और साथ ही साथ ये गर्दन झुका करके चलते थे। यहाँ पे देखिए सामने वाला जो मनुष्य दिख रहा है हथियार लिए, वो क्या किया है, गर्दन झुका करके चल रहा है। तो ये इनकी पहचान होती थी। तो नियंदरथल मानव की सबसे बड़ी पहचान यही थी जो यहाँ पर अभी बताया गया है, और अभी हम इसको नोट भी आपको करा दे रहे हैं। अब बात आती है होमो सेपियंस की। होमो सेपियंस यानी जो हम मानव हैं, हाँ आयुष, ये इस वक्त डेवलप की स्थिति में थी, यानी कि ये जो ये मानव थे अपने आप को थोड़ा सा पिछले मानवों की तुलना में अधिक डेवलप समझते थे, और पिछले मानवों को समाप्त करके उनकी जगहों पे कब्जा करना, उनके एरिया को अपने कब्जे में लेना, और ये लोग अपने परिवार के साथ या ये कह लीजिए कि अपने कबीलों के साथ एक समूह में रहना सीख लिए थे। उदित, ये जो आप कह रहे हैं ना कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द सेंस ऑफ वियर क्लॉथ टिल 19th century, हाँ आज भी बहुत सारे ऐसे जनजाति हैं जो आदि मानव की श्रेणी में हैं, और उस आदि मानव की श्रेणी में रहते हुए उनको वस्त्र पहनना नहीं आया है, और दक्षिण अफ्रीका में तो बहुत सारे ऐसे आदि मानव पाए जाते हैं जो आज भी नग्न रहते हैं, उनको वस्त्र पहनना उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, और साथ ही साथ वो अपने जो ग्रोइन एरिया होता है उस ग्रोइन एरिया को एक पतले धागे से अथवा किसी पतले सूत से वो कस करके ऐसे लपेट देते हैं ताकि उसका कुछ अलग सिस्टम है उनका, और वो सिस्टम आप थोड़ा सा नेट पे जाके सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग दिखेंगे दक्षिण अफ्रीका के। और इनकी एक खास प्रजाति होती है जो प्रजाति होंठ के निचले हिस्से में एक बांस का पतला सा जो पाइप टाइप का होता है उसको डाल लेते हैं, जिससे इनके होंठ का निचला हिस्सा जो है वो काफ़ी डेवलप हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, जबकि आप इनके बच्चों को देखेंगे तो बच्चों में ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि आज के जो भी आदि मानवों की श्रेणी में है जो अनुसूचित जनजातियों की यानी कि जो आदिवासी लोग हैं वो वस्त्र पहनना जान गए हैं, उनका कुछ ऐसा ट्रेडिशन है जिसमें कि हम उनको वस्त्र पहनते नहीं देखेंगे, वो बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते हैं। तो होमो सेपियंस, सेपियंस का जो जब बात आती है कि होमो सेपियंस, वीर सिंह, ग्रोइन एरिया का मतलब होता है कमर से नीचे वाला हिस्सा, हाँ बिल्कुल अंकिश, आजकल जो लोग फटा जीन्स पहन के घूम रहे हैं वो फिर से उस तरफ ले चल रहा है हमें कि हम लोग फिर से आदिवासी जीवन में चले चलें। अभी तक फटा वाला जीन्स केवल घुटने तक है, धीरे धीरे ऊपर तक आ जाएगा, फिर वो भी नहीं रहेगा, है ना, तो वो झालरदार लोग पहनना शुरू कर दिए हैं, तो इसमें हंसने की बात नहीं है। नहीं नहीं नवीन जी, ये उनके बच्चे नहीं है, ये उनके बच्चे नहीं है, ये अलग एक समझ है, एक अलग मोटिवेशन है, और वो मोटिवेशन क्यों और कहां से आया इसकी चर्चा बाद में कर लेंगे जब इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा। तो ये इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है, इसमें जानबूझ करके लोगों को ऐसी वस्त्रें पहनाई जाती हैं ताकि उनका बिजनेस डेवलप हो सके। तो यहां पे होमो सेपियंस की बात कर लें, होमो सेपियंस में जो लक्षण था वो लक्षण जो नियंदरथल मानव थे नियंदरथल मानव से थोड़ा सा विकसित था। तो चलिए अगला चित्र दिखाया जाए, यहाँ पे आगे देखिए होमो सेपियंस। अब यहाँ होमो सेपियंस को ध्यान से देखिए, होमो सेपियंस परिवार में रहना सीख लिया था,
यानी होमोसेपियंस वाले जो मानव थे उनका परिवार था, और वो परिवार को पोषित करते थे यानी परिवार को गाइड करते थे। यहाँ देखिए जो सामने बैठा मनुष्य है वो अपने परिवार को ही सिखा रहा है आग कैसे जलाया जाएगा, तो आग जलाने का ये ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये अपने परिवार को ट्रेनिंग देते थे जो इन्होंने सीखा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो होमोसेपियन सेपियन में ही दिखाई पड़ती है। इनकी जो बनावट थी, चेहरे की बनावट से ही ये लोग होमोसेपियन पहचाने गए। इनका जो सिर है वो औसत आकार का है, इनकी जो ठोड़ी का विकास है यानी जो इनका चिक्स के नीचे वाला हिस्सा है उसका जो विकास है, और खोपड़ी का गोलाकार जो भाग है वो कुछ बड़े दिखते हैं, है ना। और उसके साथ ही जो स्कल टॉप बोन है वो स्कल टॉप बोन चौड़ा है, और चौड़ा होने के साथ साथ ये इरेक्शन इसमें ज़्यादा है, यानी कि ये उठा हुआ है, ये पीछे की तरफ झुका नहीं है। नाक अगर देखा जाए तो नाक चिपटी नहीं है इनकी, नाक इनकी लंबी है। और जो उसमें मानव प्रजातियों के जो आज के चित्र मिलते हैं उनमें देखा जाए तो ये लगभग लगभग होमोसेपियंस सेपियंस का जो उदाहरण है वो है काकेक्सी, मंगोलाइड और निग्रोइड। ठीक है, तो ये जो होमोसेपियंस सेपियंस थे ये धीरे धीरे अपने आप को विकसित किए, आग जलाना सीख लिए, और आग जलाने के साथ साथ इन्होंने भोजन को पकाना सीखा, और भोजन को पकाने के साथ साथ इन ये भोजन बनाना भी सीख गए। तो यहाँ पर जरा होमोसेपियंस सेपियंस का दूसरा चित्र दिखाइएगा, इसके नीचे वाला, यस, यहाँ पे देखिए जो सामने वाला व्यक्ति है वो होमोसेपियंस का है, जो कपड़ा पहनने का सलीका सीख चुका है, जानवरों से बचने के लिए एक हथियार ले लिया है। और वहीं पीछे जो है वो आपको दिख रहे हैं ये व्यक्ति जो जिनको नियंडरथल कहा जाता है, तो नियंडरथल के चेहरे की बनावट और इनके चेहरे की बनावट को आप आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके स्क्रीन पे अभी दिखने लगेगा, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इससे आप जान सकते हैं कि ये सारे लोग कैसे रहे होंगे उस समय, और उस समय इनका विकास कैसे था। तो यहाँ पे आपको जो पीछे वाले चित्र में दिख रहा है वो आपके हैं नियंदरथल मानव, और जो सामने वाले चित्र में है वो है आपका होमोसेपियंस सेपियंस। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब आइए बात कर लेते हैं कि जो हमारे जो नृविज्ञानी हैं, यानी कि जो हमारे जीवाश्मों को पहचान करके जिन्होंने इन चीज़ों को विकसित किया कि ऐसे ऐसे ही मानव रहे होंगे, उनका अगर मानना है तो ये आपको बता दिया जाएगा कि भारत की जनसंख्या में चार मूल प्रजाति यहाँ पे मिलते हैं। तो अब स्लाइड ज़रा सा हटा दीजिए, तो स्लाइड अब हट गई है। अब आइए बात करते हैं भारत के संदर्भ में, अभी तक हम लोगों ने इतना सफ़र किया, तो जो इतना सफ़र किया उसको हाँ संधु, इसमें मज़ा की बात नहीं है, मज़ा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें कोई चीज़ आपका पढ़ा हुआ नहीं हो सकता है, पढ़ा हुआ होता तो तुरंत मज़ा आता, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें जो बताई जा रही हैं ये बहुत डीप है, और इस चीज़ को अगर आप समझ लेंगे तो आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ की तैयारी में आपको पूरा पूरा आपको मज़ा आएगा। जैसे सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन ये बन सकता है कि मानवों के विकास में सबसे पहला जो मानव कौन था, तो वो मानव था रामापिथेकस, और रामापिथेकस के साथ साथ जब और आगे के मानव आए तो उन्हें क्या कहा गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो लेटर जो ह्यूमंस आए उन्हें क्या कहा गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यानी मानवों का ये क्रम विकास है, मानवों का क्रम विकास क्या है, अभी भारत के संदर्भ में अभी निग्रेटो हम चार बताए ना कि चार प्रजातियां हैं भारत में, और उन चार प्रजातियों को अगर आप सिर के हिसाब से चेहरे के हिसाब से मिलाएंगे तो वो चार प्रजातियां इनमें से नहीं है, ये वो जो चार प्रजातियां हैं वो बिल्कुल अलग हैं, निग्रीटो हैं, उसके आगे भी हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले मानव का विकास किस में से हुआ, रामापिथेकस, फिर उसके बाद हुआ ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद फिर कौन से मानव आए, जल्दी बताइए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस आए। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमोपिथेकस में अंतर क्या था,
ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे वह सीधा चलता था लेकिन उसकी पीठ मुड़ी हुई थी। सेमी इरेक्ट बैक था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस में सेमी इरेक्ट बैक था, और जो होमो इरेक्शन जो थे वो प्रॉपर इरेक्शन था ऑन फूट, प्रॉपर इरेक्शन ऑन फूट थे ये। और प्रॉपर इरेक्शन ऑन फूट का मतलब हो गया कि एकदम बिल्कुल ये सीधा खड़े होते थे, और सीधा खड़ा होने के साथ साथ यहाँ पे इनकी और क्या बात थी कि इनकी जो चेहरे की हड्डियाँ थी वो चेहरे की हड्डियाँ मानव से मिलती थी, यानी आगे की तरफ ना निकल करके पीछे की तरफ थी, और पीछे की तरफ होने के साथ साथ इनके दांतों का जो विकास था वो दांतों का विकास बिल्कुल अलग था। इनकी जो ऊंचाई होती थी वो 5 फुट की होती थी, और 5 फुट के साथ साथ इनका जो सबसे बड़ी विशेषता थी कि यह जो है वो आसपास के वातावरण में घुल मिल गए थे, और आसपास के वातावरण से ये मैक्सिमम चीज़ें जो अपने उपयोग की होती थी उसको ये समझ करके उसका इस्तेमाल करते थे। यानी यहाँ पर ये हथियारों का इस्तेमाल करना सीख, अब हथियार में बंदूक चलाना थोड़ी जानेंगे, उस समय के हथियार क्या होते थे, उस समय के हथियार जो होते थे वह पत्थर से बनाए गए हथियार होते थे, पत्थरों को घिस करके हथियार बनाए जाते थे, लकड़ी के हथियार बनाए जाते थे, जानवरों के हड्डियों से हथियार बनाए जाते थे, और उसी से जानवरों को छीला जाता था, काटा जाता था, फिर उनको पकाया जाता था। अभी होमो इरेक्शन वाले जो मानव हैं वो अभी तक आग के बारे में नहीं जाने, अब जब होमो सेपियंस आएंगे तो वो आग के बारे में जानेंगे। अभी तक ये मांस को क्या करते थे, ताज़ा ही नोच नोच के खा जाते थे, इसलिए इनके दांतों की जो व्यवस्था थी वो कैनाइन थी, यानी चीरने वाले दांत थे, और जब होमो सेपियंस आएगा तो इनके मांसों को पकाएगा, और पकाने के बाद फिर इनके जो दांतों की बनावट होगी वो बिल्कुल आधुनिक मानव जैसी हो जाएगी। तो आधुनिक मानव जैसी जब होगी तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये अपने अनाज को पका करके खाते थे, और ये अब तक अनाज उगाना सीख गए थे। ठीक है, उसके बाद यहां पर दूसरा कौन आता है, नियंदरथल मानव। जो दूसरे आते हैं वो आते हैं नियंदरथल, और नियंदरथल का जो सबसे बड़ा होता है उनका चेहरा चौड़ा होता है, और चेहरा चौड़ा होने के साथ साथ इनके जो शरीर पर गर्दन जो है वो गर्दन झुका करके ये सीधे चलते हैं, गर्दन ऐसे झुका हुआ है लेकिन चलेंगे सीधे। तो ये कौन से मानव हैं, यहाँ पर नियंदरथल, यानी इनका जो पहचान है गर्दन झुकी है और तन कर चलते हैं, यानी प्रॉपर इरेक्शन इसमें भी है, इनमें प्रॉपर इरेक्शन है लेकिन गर्दन झुकी हुई है, यहाँ पे प्रॉपर इरेक्शन भी है और गर्दन भी उठा हुआ है। अब आते हैं होमो सेपियंस, होमो सेपियंस में प्रॉपर इरेक्शन भी है, गर्दन भी उठा हुआ है, और ये तब फिर होमो इरेक्शन से कैसे अलग हो गए, होमो इरेक्शन और इसमें अंतर ये है कि इनका जो सिर है वो थोड़ा सा बड़ा है, और बड़ा होने के साथ साथ इनके जो आगे का फोरहेड है वो फोरहेड जो है वो चौड़ा है, और फोरहेड चौड़ा होने के साथ साथ आगे की तरफ नहीं निकला है, पीछे की तरफ चपटा है, जिससे इनकी सुंदरता बढ़ जाती है। इनका नाक चिपटा नहीं है, इनका नाक आगे की तरफ निकला हुआ है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो मानवों का इस तरह से क्रमिक विकास था वो यहाँ तक आया, फिर आया होमो सेपियंस में, होमो सेपियन सेपियन में आया, तो ये आए होमो सेपियन सेपियन में। तो ये नोट कर लीजिए, इस तरह से मानव का प्रॉपर इरेक्शन हुआ था, और प्रॉपर इरेक्शन रामाफिथेकस से लेकर के होमो सेपियंस तक का सफर ये हुआ। ठीक है, क्वेश्चन है कुछ आप लोगों का, थोड़ा नया लेशन है इसलिए क्वेश्चन नहीं हो सकता है यहां पर। अब आइए बात कर लेते हैं कि उन व्यक्तियों की जो भारत में पाए जाते हैं, यानी भारत में कौन कौन से लोग पाए जाते हैं, निग्रेटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, कॉकेसियाइड और मंगोलाइड, यानी यहाँ भारत को जानों के बारे में दिया है, तो भारत को जानों में आपको यहाँ पर कौन कौन सी प्रजातियाँ मिलेंगी वो लिख लीजिए। तो यहाँ पे ये मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब निग्रेटो को बताने के लिए हमें इतना पीछे से चलना पड़ा,
अगर इतना पीछे से नहीं चलते तो ये आप कभी जान नहीं पाते कि इनका विकास कैसे हुआ। तो भारत में, इन इंडिया, कितने प्रकार के मानव पाए गए? चार प्रकार के। पहला नेग्रिटो प्रकार के मानव, और दूसरे जो पाए गए वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट पाए गए, प्रोटो। चलिए चित्र दिखाइए जरा सा। तो यहां पर ये निग्रेटो हैं। अब यहां पे निग्रेटो जो हैं ये भारत में पाए जाते हैं जो आदिवासी जनजातियों की व्यवस्था के अंतर्गत हैं। तो आदिवासी जनजातियों के अंतर्गत जो हैं वो निग्रेटो हैं, और इनका जो पहचान है वो पहचान क्या है, नाटे कद के हैं, यानी नाटा का मतलब हो गया चार फुट के, गोल गोल सिर वाले हैं, और इनका जो चेहरा है वो शिशु के आकार का है, छोटे बच्चे की तरह है। तो इनका चेहरा जो है वो छोटे बच्चे की तरह है, और छोटे बच्चे के साथ साथ इनका सिर गोल है, और ये नाटे कद के हैं। अगर ऐसे पहचान हैं तो दे आर कॉल्ड एज निग्रेटो। निग्रेटो के बाद इनका जो दूसरा आता है वो आता है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड। तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड के जो मानव हैं वो बिल्कुल अलग तरह के मानव हैं, और उनका जो कद है वो मझोला कद है, लंबा सिर है, चपटी नाक है, और ये काले कलूटे किस्म के हैं। नेक्स्ट वाला चित्र दिखा दीजिए, ये देखिए, ये हैं प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड। तो ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड प्रजाति के भारत में रहने वाले लोग हैं, जिनकी नाके चपटी हैं, मझोले कद के हैं, 4 से 4.5 फुट के होते हैं, और इनका जो जो सिर है वो लंबा होता है। चूँकि ये टोपी लगाए हैं तो इनके सिर के बारे में थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, सिर थोड़ा सा लंबा होता है, उभरा हुआ होता है, इनकी आगे की जो मस्तक होती है वो ज़्यादा चपटी नहीं है। देखिए बीच वाला जो व्यक्ति है उसका सिर खुला हुआ है, तो आपको दिख रहा है इसका मस्तक जो है आगे की तरफ निकला हुआ है। मोहित, ये कहीं गए नहीं हैं, ये हमारे आसपास ही हैं, आप रोज के मनुष्यों में ऐसे मनुष्य देख सकते हैं, लेकिन आपको पहचान नहीं है कि ये कौन सी प्रजाति है, इसलिए वो सारी चीज़ें डिफरेंट कर जाती हैं। हम सबको एक ही तरह का मानव समझने लगते हैं, जबकि मानवों की अलग अलग प्रजाति है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के अलग अलग व्यवस्थाओं के अंतर्गत हैं। तो यहाँ पर जो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड हैं ये इस तरह के, इनका जो रंगत है वो रंगत इनमें काला ही दिखेगा, ये गौर वर्ण के यानी कि गहरे गोरे कलर के ये नहीं होंगे। और यहाँ पर जो तीसरे नंबर के आते हैं वो आते हैं कॉकेक्सी। कॉकेक्सी आते हैं, जो कॉकेसाइड आते हैं, कॉकेसाइड जो आते हैं वो ऊंचे कद के होते हैं, मध्यम आकार के होते हैं, इनकी लंबी नाक होती है, और इनके रोएदार शरीर होते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जिनके शरीर पे बाल बहुत अधिक होते हैं, और जिनके शरीर पे बाल बहुत अधिक होते हैं उनकी नाकें लंबी होंगी, उनका माथा चौड़ा होगा, और माथा चौड़ा होने के साथ साथ उनकी लंबाई भी सामान्य से थोड़ी सी अधिक होगी, और अथवा ये मध्यम आकार के सिर वाले होंगे, यानी इनका सिर न ज़्यादा बड़ा होगा न ज़्यादा छोटा होगा, मध्यम आकार का सिर होगा। अगर ऐसी प्रजाति के मनुष्य दिखें तो वो कौन से हैं, कॉकेक्सी टाइप के मनुष्य हैं जो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। और उसके बाद आते हैं मंगोलाइड। अगला चित्र दिखा दीजिए, ये है मंगोलाइड। तो मंगोलाइड भी हमारे देश में बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। तो मंगोलाइड जो होते हैं ये नाटे होते हैं, नाटे के साथ साथ इनका सिर जो होता है वो चौड़ाई में ज़्यादा होता है, लंबाई में नहीं होता है, और इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इनकी नाक चिपटी होती है, और इनकी आँखें जो होती हैं वो उभरी हुई नहीं होती है, अंदर खींची हुई होती है, और एक दरार सी आँख में होती है। दरार का मतलब लगता है इनकी आँख है ही नहीं है, एक छोटा सा छेद है जहाँ से ये देख रहे हैं, है ना। तो ये जो होंगे ये कौन होंगे, मंगोलाफ, हिंदी में इनको बोलते हैं मंगोलाफ, और अंग्रेजी में इनको बोला जाता है मंगोलाइड। अब यहां पे जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं सबसे आ सकते हैं।
तो हटा दीजिए फोटो, अब लगता है इन लोगों ने देख लिया है सारा फोटो। तो ये नोट कर लीजिए, ये आपके निग्रेटो हैं, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड हैं और कॉकेक्सी हैं और उसके बाद मंगोलॉयड हैं। ये चार प्रकार के जो मानव प्रजातियां हैं वो हिंदुस्तान में पाई जाती हैं। हिंदुस्तान का विकास इन्हीं से हुआ है और आगे भी होता रहा है। अब आप जैसे कि यहाँ पर एक पढ़ रहे हैं खंडेलवाल, जिन्होंने काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछा कि कौन कौन किस तरह का है, तो खंडेलवाल अपना चेहरा जा कर के शीशे में देखेंगे और उसके बाद ये इनके समझ में आएगा कि ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड हैं या निग्रिटो हैं या फिर ये मंगोलॉयड हैं। तो इनको मतलब आदमियों को पहचानने की क्षमता इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, ये पूछते भी हैं लोगों से कि किस प्रजाति के आप हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चार प्रकार की प्रजातियाँ मिलेंगी और इन चार प्रजातियों के बारे में अगर देखा जाए तो पाषाण युगीन से ही इनके बारे में साक्ष्य मिलते आए हैं और इनके जीवाश्म हिंदुस्तान में जो मिले हैं वो प्राचीन काल से मिले हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं हिंदुस्तान की प्राचीनता का और हिंदुस्तान की प्राचीनता में जो साक्ष्य मिले हैं, जो एविडेंस मिले हैं, जो हथियार मिले हैं, उनमें किस तरह के लोगों के हथियार मिले हैं, यानी कि प्राचीनता से जो हम आगे जब बढ़ेंगे तो प्राचीनता से आगे बढ़ने पर किन किन चीज़ों का के बारे में जानकारी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लें कि पुरापाषाणकालीन भारत कैसा था। तो पुरापाषाणकालीन जो भारत था, जिसको कहा जाता है पैलियोलिथिक एज का इंडिया, तो पैलियोलिथिक एज का इंडिया बिल्कुल अलग और डिफरेंट टाइप का था। तो यहाँ पर भी आपको एक चित्र दिखाएंगे जो प्राचीन का है, तो आप दिखा दीजिए इसके बाद वाला चित्र जो मंगोलॉयड था उसके नीचे वाला चित्र, जो चपटी नाक वाला व्यक्ति था उसके नीचे वाला चित्र दिखा दीजिए। चित्र अभी सबका देखिए, सबका चित्र दिखाया जाएगा। 13 नंबर चित्र है, 13 नंबर। जिसमें आपको कोई, हाँ यही है, ये देखिए, ये पैलियोलिथिक इरा था। पैलियोलिथिक इरा जो भारत में था, तो भारत का जितना भी जंगली इलाका था, जितने भी दर्रे जो हमने पासेस की बात की थी, वो जो दर्रे थे उस दर्रों के बीच में जो गुफाएं हुआ करती थी, उन गुफाओं में ये प्रजातियां रहा करती थी और ये प्रजातियां जो थी वो होमो सेपियंस सेपियंस की प्रजातियां थी, निग्रेटो की प्रजातियां थी और उसके साथ ही साथ ये कॉकेक्सी के प्रजाति थी और मंगोलाब की प्रजातियां थी। इनमें आपस में टक्कर होना स्वाभाविक था, तो जब टक्कर होना स्वाभाविक था तो इसमें कौन जीतता था कौन हारता था, सबका अपना अलग अलग वजूद होता था, अपना अलग अलग पॉइंट होता था और उस चीज़ को लेकर के ये आगे बढ़ते थे। इनमें जो पैलियोलिथिक इंडिया था, पैलियोलिथिक काल का जो इंडिया था, उसमें अगर कालखंडों की बात करें तो कालखंडों मतलब कि जो सेशन की बात होती थी, वो सेशन जो होता था वो लोअर पैलियोलिथिक होता था। लोअर पैलियोलिथिक के बाद फिर आपका आया है सोहन का, लेट सोहन और फिर अर्ली सोहन। तो सोहन का मतलब होता है ऐसा संस्कृति जो पुराने साक्ष्यों के साथ साथ विकास का क्रम भी दिखाता है, डेवलपमेंट भी दिखाता है, वो कहलाती है सोहन संस्कृति। तो यहाँ पे अर्ली स्टोन एज आया, फिर मिडिल स्टोन एज आया, तो अर्ली स्टोन एज मिडिल स्टोन एज के साथ साथ यहाँ पर जो उत्तर सोहन की व्यवस्था आई, तो उत्तर सोहन की जो व्यवस्था आई उसमें हिमनद को देखा गया, यानी कि जहाँ पे बर्फ जमे हुए थे वहाँ पर भी प्रजातियों को देखा गया। और वहाँ प्रजातियों को जब देखा गया तो पता चला कि यहाँ के लोग जो हैं वह चिकने पत्थर से बने हथियार बनाते थे और वो चिकने पत्थर से जो बने हुए हथियार थे वो सामान्य हथियार से बहुत ज़्यादा तेज होते थे, इसलिए इनको नाम दिया गया कि ये सोहन संस्कृति के मानव थे। और सोहन संस्कृति के मानवों के साथ साथ नर्मदा नदी के आसपास भी इन मानवों को देखा गया। और ये कैसे पहचाना गया कि ये यहाँ के मानव थे, क्योंकि इनका जो हथियार बनाने का तरीका था, हथियारों की जो जितने भी पत्थरों के हथियार थे वो हथियार वहाँ से मिलने वाले पत्थरों से बनाए गए थे, इसलिए पता चलता है कि यहाँ इस नदी के आसपास भी ये लोग रहा करते थे। और इनके जो पेबल्स चॉपर्स थे, पेबल चॉपर्स का हिंदी में कहा जाएगा बटिकास्म गणासा,
गणासा यानी जो मांस को काटने के लिए प्रयोग किया जाता था, तो जो पेबल चॉपर्स थे वो भी आपको गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के साथ साथ यहाँ पे कृष्णा, कर्नाटक, मालप्रभा, घाटप्रभा, इन सब नदियों के किनारे इनके अवशेष मिले। तो जब इनके अवशेष मिले तो इनसे ये पता लगाया गया कि ये यहाँ पर बराबर बने रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आइए अगला चित्र देख लेते हैं। अगला चित्र दिखा दीजिए, ये देखिए यहाँ पे पैलियोलिथिक इरा के टूल्स कैसे होते थे और किस तरीके से इनके टूल्स में काटने, चीरने, छेद करने यानी कि पॉइंट बनाने के भी इनके हथियार थे। तो यहाँ पे फ्लेक एलिमेंट्स थे, फ्लेक एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पर जो चपटे आगे के हिस्सा में जो चपटा है उसे चीरा जाता था, मांस को चीरा जाता था यहाँ पे, तो उसको कहा जाता है फ्लेक एलिमेंट्स थे। यहाँ पे बोर्स करने वाले बेधक थे, यहाँ पे देखिए नुकीला नुकीला आगे दिया हुआ है, आगे का हिस्सा पत्थर का एकदम नुकीला है, उसे वो छेद करते थे, तो ये बोर्स होते थे। फिर स्क्रैपर बोर्स होते थे, स्क्रैपर बोर्स में आगे का हिस्सा नुकीला था लेकिन पीछे का हिस्सा शार्प था, तो वो आगे से छेद करने के साथ साथ पीछे चीरने का भी काम करते थे, तो इसको कहा गया स्क्रैपर बोर। तो स्क्रैपर बोर लिखते चलिए इनको, ठीक है। तो ये स्क्रैपर बोर थे, उसके स्क्रैपर बोर होने के साथ साथ स्थूल सल्क वाले हथियार पाए गए। स्थूल सल्क वाले हथियार जो हैं वो ऊपर की लाइन में है, ऊपर की लाइन में 1, 2, 3, 4, जो चार ऊपर की लाइन, यहाँ देखिए चार ऊपर के लाइन के बीच लाइन है, फिर उसके बाद सबसे नीचे की लाइन है, तो जो सबसे ऊपर के लाइन वाले हथियार हैं इनको कहा गया कि ये आपके स्थूल सल्क वाले हैं, ब्लेड लाइक थिक फ्लैक्स हैं, ब्लेड लाइक थिक फ्लैक्स हैं। इनका जो प्रयोग होता था यह मांसों को टुकड़ों में काटने में होता था, पेड़ों को काटने में होता था, पेड़ों के तनों को काटने में होता था। काफ़ी ताकत के साथ ये बार बार उस पर रगड़ते थे जिससे तने बहुत शार्पली कट जाते थे। तो इस तरह से ये जो है वो इस तरीके से अपने पैलियोलिथिक एज में इन्होंने अपना खूब सारा डेवलपमेंट किया। आगे इनका जो आया इसी में क्या किए, इन्होंने छेद करके देखिए यहाँ पर जो बीच वाला है, बीच वाले में जो बाएं से तीसरा नंबर का हथियार है उसमें देखिए बीच में छेद है, तो वहाँ पे वो लकड़ी लगा करके कुल्हाड़ी की तरह, एक्स के तरह इसका इस्तेमाल करते थे और इससे वह बड़े से बड़े जानवरों को मार करके और उनमें छेद बना देते थे ताकि वो भाग न सके। तो चूंकि हाथ से पकड़ के मारेंगे तो जानवर उनको नुकसान भी पहुंचाएगा, तो एक बड़े से डंडे में ये इसको बांध लेते थे और बड़े से डंडे में इसको बांधने के बाद ये कुल्हाड़ी के तरह प्रयोग करते थे और पूरा का पूरा उतना हिस्सा जानवर के शरीर में घुस जाता था जिससे जानवर मारा जाता था। हाँ आयुष, इसमें मेहनत तो लगती ही रही होगी क्योंकि सामान्य तरीके से देखा जाए तो इसमें इस हथियार को, छोटे छोटे हथियार को पेबल्स लाइक टाइप के हैं, ये हथियार पेबल्स से ही बने हैं, तो उसको हाथों में पकड़ करके और किस तरीके से जानवर के नज़दीक जा करके मारना, 2 से 2.5 इंच का ही ये हथियार है। कभी आपको मौका मिले तो जा करके संग्रहालय में से देखिएगा, 2 से 2.5 इंच से ज़्यादा का ये लंबा हथियार नहीं है। जो बहुत शार्प हथियार हैं वो 3 से 4 इंच के होंगे, तो उससे वो किस तरीके से अपना जीवन बिताते रहे, उनके पास सोच लीजिए कि मानवों के पास कितनी ताकत रही होगी। मध्य पुरापाषाण काल यानी मिडिल पैलियोलिथिक एज के जो हथियार हैं वो इनसे थोड़े से अलग होते थे, लेकिन जितना प्रकार हमने बताया है वो सारे प्रकार उसमें भी पाए जाते थे। तो जरा दिखा दीजिए मिडिल पैलियोलिथिक का इसके बाद वाला चित्र, ये देखिए ये पैलियोलिथिक का है, इसमें थोड़ा सा कलर दिखा दिया गया, कलर इसलिए दिखाया गया क्योंकि कलर चित्र लिया गया। तो ये छोटे छोटे हथियार थे जो जानवरों को लाने के बाद उनमें काट पीट और चीरा लगाया जाता था। नेक्स्ट इसके आगे का चित्र दिखाइए, ये देखिए ये मिडिल पैलियोलिथिक एज के हथियार थे। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये लगभग 2 से 2.5 इंच का है, तो 2 से 2.5 इंच का ये सबसे ज़्यादा शार्प हथियार है और इसको कहा गया फ्लेक एलिमेंट। फ्लेक एलिमेंट के साथ साथ इनको क्या कहा गया, ब्लेड लाइक थिक फ्लैक्स, ब्लेड लाइक थिक फ्लैक्स यानी हिंदी में इसको क्या कहा जाएगा, स्थूल सल्क। स्थूल सल्क, सल्क का मतलब होता है पत्थर का ऊपर वाला टुकड़ा जो पत्थर को तोड़ने के बाद छिटक करके दूर जा गिरता है, वो कहलाता है पत्थर का टुकड़ा, तो उसे कहते हैं सल्क। उसी सल्क से ये लोग हथियार बनाते थे। तो ये हिंदुस्तान था और इसी हिंदुस्तान में इस तरह से लोगों ने जीवन यापन करना शुरू कर दिया था। अभी तक
ये भारत के ओरिजिनल निवासी थे, अभी तक आर्य भारत नहीं आए थे। ये ध्यान रखिएगा कि आर्यों का आगमन अभी तक भारत नहीं हुआ है और ये भारत के असली निवासी थे जो इस तरह से हथियारों को बना करके और अपना जीवन यापन कर रहे थे। उसके बाद आया अपर पैलियोलिथिक एज, और अपर पैलियोलिथिक एज में आने के साथ साथ यहाँ पर अलग अलग विशेषताएँ शुरू हो गई, जैसे हथियार जो छोटे बनते थे वो अब लंबे हथियार बनने लगे, और लंबे हथियार के साथ साथ इनमें घिसावट जो होती थी वो घिसावट बिल्कुल अलग तरीके से की जाती थी और अलग तरीके से। यहाँ पे हम आपको मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स में आपको वो हथियार दिखा सकते हैं। नेक्स्ट वाली स्लाइड जरा दिखाइएगा। हाँ, ये यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले नंबर वाला हथियार है वो आपका जो हथियार है वो अपर पैलियोलिथिक का है ना, और इसमें बाकी जितने हथियार हैं वो मिडिल पैलियोलिथिक, इसीलिए इसका इस स्लाइड का हमने नाम रखा मिडिल पैलियोलिथिक। लेकिन यहाँ पे जो पहले हथियार का जो चित्र है वो है आपका अपर पैलियोलिथिक, क्योंकि यहाँ पर जो हथियार होते थे वो अस्थियों से बनाए जाते थे और अस्थियों के साथ साथ पत्थरों को भी महत्व दिया जाता था। अब क्या किया जाता है, इसमें पत्थरों का हथियार बनाने के बाद उसे एक लंबे डंडे में कस करके बांध दिया जाता था और दूर से ही जानवरों का शिकार कर लिया जाता था। मिडिल पैलियोलिथिक एज में क्या था, जानवर के नज़दीक जा कर के लोग जानवर को पकड़ते थे और जानवरों को पकड़ने के बाद उसको वार करते थे, तो वो बहुत खतरनाक था और काफ़ी मेहनत वाला था। अब क्या है, अकेला एक व्यक्ति भी शिकार कर सकता है, और अकेला एक व्यक्ति जब शिकार कर सकता है तो ये आया अपर पैलियोलिथिक एज। और अपर पैलियोलिथिक एज में उत्तर पुरापाषाण काल की बजाय हम अगर इसको नवीन युग कहें तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और ऐसे ऐसे यहाँ पर क्षेत्र प्रकाश में आए हैं जहाँ से हमें इनका साक्ष्य मिला है। जो सबसे लेटेस्ट साक्ष्य मिला है अपर पैलियोलिथिक का, वो मिला है इलाहाबाद के बेलन घाटी में। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर IAS। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि जो इलाहाबाद की बेलन घाटी है वहाँ पर किस सभ्यता का अवशेष मिलता है, तो वहाँ पर हमें मिलता है अपर पैलियोलिथिक एज सभ्यता का अवशेष। तो स्लाइड अब हटा दीजिए, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना कैसे चीज़ें IAS में पढ़ाई जाती हैं और PCS में पढ़ाई जाती है। बहुत आप लोग कूद रहे थे सर डीप में नहीं पढ़ा रहे हैं, डीप में नहीं पढ़ा, डीप में पढ़ाना शुरू किया तो फिर पता चला कि सबको मज़ा नहीं आ रहा है। बताइए, अब यहीं से क्वेश्चन आपका मिलता है कि जो अपर पैलियोलिथिक एज था, अपर पैलियोलिथिक एज जो है उसका पहला साक्ष्य हिंदुस्तान में कहाँ से मिलता है, तो इलाहाबाद के बेलन घाटी से मिलता है। और इलाहाबाद के बेलन घाटी से जो मिला है वो वही हथियार मिले हैं, यानी कि जैसे मान लेते हैं ये लंबा सा डंडा है, अब इस लंबे से डंडे में ये हथियार लगा दिया गया, ये हथियार लगा दिया गया। अब यहाँ पर ये नुकीला है, अब यहाँ पे वो व्यक्ति पकड़ करके मारेगा तो ये वाला पूरा हिस्सा जानवर के शरीर में घुस जाएगा। तो अब वो क्या है, एडवांस एज में हम लोग प्रवेश कर रहे थे, और एडवांस एज में जैसे जैसे हम प्रवेश करते जा रहे थे वैसे वैसे हमारे हथियारों की बनावट अब मशीन टूल्स में परिवर्तित होती जा रही थी। तो यहाँ पर फिजिक्स का सिद्धांत लगता है कि यहाँ कम ताकत, यहाँ आप जितना दूर पकड़ेंगे उतना कम ताकत लगेगा, इसीलिए जो दरवाजे होते हैं, दरवाजों के हैंडल जो होते हैं, कब्जे से दूर लगाए जाते हैं। अगर कब्जे के नज़दीक लगा दिया जाए तो हम दरवाज़ा नहीं खोल पाएंगे, तो कब्जे से जितना ज़्यादा दूर हैंडल होगा उतना आसानी से भारी दरवाज़ा हम खोल लेंगे। तो यहाँ पर ये कितना भी भारी हो, 10 किलो 15 किलो का हो, अब मान लेते हैं 50 किलो का अगर हिरन का शिकार करना है, इसे 10 किलो का हथियार बनाया गया, अब 10 किलो का हथियार एक व्यक्ति हाथ में लेके दौड़ेगा और खींच के मारेगा, हो सकता है हिरन को न लगे। अब यहाँ क्या है, 10 किलो का हथियार है, यहाँ खूब दूर से पकड़े हुए हैं, आसानी से, बहुत आसानी से 10 किलो का हथियार पूरा खींच करके मार देंगे, और हिरन कहीं भी अगर जा रहा होगा तो उसको मरना तय है, क्योंकि 10 किलो का हथियार एक साथ उसके बाद दो बार तीन बार अगर पड़ गया तो वो मर गया। तो हम लोग अब इस युग में एडवांस हो रहे थे, तो जब इस युग में हम लोग एडवांस हो रहे थे तो पता चलता है कि यहाँ पर जो काफ़ी कुछ यहाँ जो मिला है वो कर्नाटक में भी मिला है, और कर्नाटक में जो साक्ष्य मिले हैं वो कर्नाटक में साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, पहले आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश के रेंगी गुटा में मिला है। कहाँ मिला है, रेनी गुटा में। इलाहाबाद में कहाँ मिला है, बेलन घाटी में। आंध्र प्रदेश में कहाँ मिला है,
आंध्र प्रदेश में जो मिला है इसका साक्ष्य रेनी गुंटा में मिला है, रेनी गुंटा में मिला है। इसके साथ साथ कर्नाटक, कर्नाटक में कहां मिला है, कर्नाटक में सोरापुर और विजापुर में, कर्नाटक में सोरापुर और बीजापुर में मिला है। अब ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि यहाँ पर किस किस तरीके के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं वो अपर पैलियोलिथिक एज के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ पर जो और यहाँ पर जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो बेधनी मिला। बेधनी का मतलब होता है यही बोर करने वाला हथियार जिसे कोंच करके मारा जाता हो, तो वो हथियार मिले हैं। और रेडियो कार्बन से भी इसका परीक्षण किया गया है तो पता चला है कि ये काफ़ी पुराना उसी समय का ये साक्ष्य है। इसके साथ ही साथ उत्तर पुरापाषाण काल के और भी साक्ष्य मिले हैं, और भी साक्ष्य में चित्र तो हम नहीं दिखा पाएंगे लेकिन उसमें आपको ये बता दें कि और भी जो साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों में ऐसे ऐसे हथियार मिले हैं जिसमें पत्थर को छेद करके उसमें लकड़ी बैठा करके कुल्हाड़ी की तरह प्रयोग करने वाला हथियार पाया गया है। ये क्या है, ये बांधा गया है, पत्थर को लकड़ी के ऊपर बांधा गया है रस्सी से। लेकिन अगले साक्ष्य में क्या मिला है कि पत्थर में ही छेद कर दिया गया है, और पत्थर में ही छेद करके उसमें लकड़ी डाल, जैसे कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी में छेद होता है उसमें लकड़ी हैंडल डाला जाता है और हैंडल डालने के बाद उसको टाइट कर दिया जाता है जिससे हम लकड़ी चीर सकते हैं। तो वैसे हथियार उस टाइम के मिले हैं और उसको कहा गया तक्षणी कहा गया, तो तक्षणी टाइप का हथियार उस समय मिला है। और उसके साथ साथ यूरोप और अफ्रीका में भी जो उत्तर पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं वो भारत में मिलने वाले साक्ष्य से मैच करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि मैच करते हैं, इससे पता चलता है कि उस समय पूरे विश्व में एक अलग इरा चल रहा था और वो इरा जो था वो अपर पैलियोलिथिक एज का इरा था। अब यहाँ पर हम अगर बात करें कि मध्य पाषाण कालीन यानी मेसोलिथिक इंडिया की, तो मेसोलिथिक इंडिया में फिर हम बात करेंगे कि यहाँ पे जीव जंतुओं की कैसी व्यवस्था थी, और जीव जंतुओं की व्यवस्था के साथ साथ जो ल्यूनेटिक टाइप के हथियार थे यानी अर्धचंद्राकार टाइप के हथियार थे, या फिर जो बैक्ड ब्लेड टाइप के थे यानी कि ऐसे हथियार थे जो कि छीलने के लिए बनाए गए थे, पूरा हिस्सा तो उभरा हुआ था लेकिन आगे का हिस्सा जो चिपटा था और तेज धार वाला था, उसके साथ साथ बेधनी मिला है, पॉइंटर मिला है, वो सब उस टाइप में मिला है। लेकिन आगे का विकास हम लोग देखेंगे कल के एपिसोड में और देखेंगे कि मानव इस युग से निकलने के बाद कैसे इतना साधन संपन्न हुआ, और इस युग से निकलने के बाद वो अपनी जब सभ्यताओं के उच्च शिखर पे पहुंचा यानी नवपाषाण काल में जब पहुंचा तो नवपाषाण काल में उसने क्या क्या विकास किया और उस विकास में सभ्यताएं कैसे विकसित हुई। तो अब वो सभ्यता पूरे विश्व के बारे में नहीं बताएंगे, केवल भारत के संदर्भ में बताएंगे कि भारत के संदर्भ में वो कौन सी सभ्यता थी जो नवपाषाण युग के शासनकाल में आई, नवपाषाण युग के बाद आई, और नवपाषाण युग के बाद जब यानी इसको कहा गया है प्रागैतिहासिक पुरातत्व, तो प्रागैतिहासिक पुरातत्व से जब हम बाहर आते हैं तो हम सीधे आते हैं आर्यों के युग में और हड़प्पा के युग में। तो यहाँ पर हम लोग मिलेंगे आर्यों से और मिलेंगे हड़प्पा से और देखेंगे इनके में कैसे विकास हुआ, और उस विकास को देखेंगे भूगोल के दृष्टिकोण से और देखेंगे कि भूगोल के साथ साथ इतिहास कहाँ तक चलता है और क्या दोनों में एक रस्ता होती है, दोनों में साम्यता होती है, इक्विलिब्रियम होता है कि नहीं होता है, अगर होता है तो भूगोल और इतिहास साथ क्यों नहीं पढ़ा जाता। तो मिलेंगे सोमवार को भारत जानो वाले शो में।